हेलो गाइस, टेक्नोफाद में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक 8110 बैलेंस अकाउंट में अगर आपको माई इमेज डेबिट कार्ड अप्लाई करना है तो क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपको कोटक 811 की मोबाइल बैंकिंग के जरिए से आपको अपना माई इमेज डेबिट कार्ड अप्लाई करना है। और इसके रिगार्डिंग मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। उसे मैंने माई इमेज डेबिट कार्ड की अनपैकिंग करी थी और इसके फीस और चार्जेस और इसके फीचर्स के बारे में बात की थी। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कोटक 8110 बैलेंस अकाउंट का अगर आपको माय इमेज डेबिट कार्ड अप्लाई करना है तो क्या इसका प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी कोटक 811 की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि ये रही मेरी कोटक 811 की मोबाइल एप्लीकेशन, तो इसको सिंपली हम ओपन कर लेंगे। अपना एम पिन डाल के इसको लॉग इन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप एम पिन डाल के इसको लॉग इन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है डेबिट कार्ड पर। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई अपग्रेड डेबिट कार्ड, तो सिंपली आपको अप्लाई अपग्रेड डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई फिजिकल कार्ड और नीचे लिखा हुआ है अप्लाई इमेज कार्ड। तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको अप्लाई इमेज कार्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल का ऑप्शन आता है और सिटी का, ट्रैवल का, जिस हिसाब से आपको अपना कार्ड मतलब चूज़ करना है उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको जो है कैटेगरी मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर म्यूज़िक चाहिए या आर्ट चाहिए, नेशन चाहिए या चाइल्डहुड, या आपको किसी भी मतलब कैटेगरी का कार्ड चाहिए, स्पोर्ट्स का, अगर आपको मतलब जिस इमेज में आपको कार्ड चाहिए वहाँ पर आप जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसी टाइप के कार्ड यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी ऑल पे है, यहाँ पर जैसे हम सिटी पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी कार्ड अब शो होंगे यहाँ पर सिटी के सारे शो होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पॉपुलर सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगी, जो पॉपुलर जगह होंगी वो यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। तो इस हिसाब से आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी कार्ड हैं यहाँ पर आपकी जितने भी कार्ड की फ़ीस है सबकी यहाँ पर 199 शो कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि एक डेमो के तौर पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक ये हवा महल की इमेज है, इस कार्ड पे हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी कार्ड की फ़ीस यहाँ पर दिखाई जा रही है 199, और आपका कार्ड जो है यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 6 से 7 दिन में मतलब प्रिंट होकर आपके पास पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं गेट दिस कार्ड पर हमें क्लिक करना है। गेट दिस कार्ड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो फीस लगेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन टाइम इमेज कार्ड फीस 199 प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार बना हुआ है, तो इसका मतलब आपके आपसे जो है GST वगैरह भी ली जाएगी। तो यहाँ पर 199 इसकी फ़ीस है प्लस आपकी 18% की GST, तो आपके पर हो जाएंगे पूरे 234 रुपये। तो 234 रुपये आपके इस कार्ड के प्रिंट करवाने के पड़ जाएंगे, उसके बाद 234 रुपये आपकी एनुअल फ़ीस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके टोटल हो जाएंगे, मान के चलिए आपके 468 से 470 आपके यहाँ पर लग जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी वन टाइम जो है आपकी माई इमेज डेबिट कार्ड की फ़ीस लगेगी, उसके बाद से जो है यहाँ पर आपके जो मतलब नेक्स्ट ईयर से जो है आपकी सिर्फ एनुअल फ़ीस कटेगी 199 प्लस GST। तो अगर आपको ये कार्ड अप्लाई करना हो तो सिंपली आपको कन्फर्म पे यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पर पहुँच जाएगी और आपके पास 6 से 7 दिन में आपका कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करते हैं उसी टाइम आपके अकाउंट आपकी 468 रुपीज़ कट जाएंगे, जो मतलब यहाँ पर इसकी फ़ीस है वन टाइम, जो यहाँ पर आपकी ये फ़ीस लगती है 199 प्लस GST, और आपकी जो एनुअल फ़ीस लगती है वो भी 199 प्लस GST। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसकी बात डिटेल में हमने वीडियो बनाई है, अगर आप नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं इसके फीस और चार्जेस के बारे में और इसमें जो है क्या क्या आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो इस तरह से आप भी जो है अपने टक 811 अकाउंट का माई इमेज डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।